गुड मॉर्निंग, हम मधुबन से बोल रही है। आज सोमवार है, सन 1963 मार्च की 18 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली। ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा को कोई इतने बच्चे हो सकते हैं, गाया जाते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा। अच्छा, प्रजा पिता ब्रह्मा, प्रजा कैसे? जरूर ब्रह्मा और फिर जरूर माता फेर जाइए, परंतु माता अगर हो गए तो भी इतने बच्चे तो नहीं पैदा कर सके। प्रजा सारी कितनी, तो उनको समझाना पड़ता है कि वास्तव में तुम भी प्रजा पिता के संतान हो, क्योंकि पिता परमात्मा ने जब नई सृष्टि रची है ब्रह्मणों ब्रह्मा द्वारा ही रची है, क्योंकि साकार सृष्टि नहीं था। वो निराकार तो है ही, आत्माओं का बाप वो, परंतु साकार सृष्टि जब रची जाती है तो गया जाते हैं कि पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता सिर्फ उनका नाम है, प्रजापिता विष्णु को नहीं कहेंगे, प्रजापिता शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सभी बच्चे हैं जो ज्ञान में होते हैं और जिनको सर्विस करनी होती है। ये सभी विचार, ये है विचार सागर मच्छर की बात से। अरे भाई, बाप को याद करो और अपने पद को याद करो, मन मना भव माचार्य भव। वो तो बिल्कुल थोड़ा है, वो तो है पिछाड़ी की और पहले की और पिछाड़ी की बात, पर ये है रिश्ते डिटेल समझाना किसको। तो देखो, प्रजा पिता ब्रह्मा तो जरूर मुखवर सावली ही हो सकती है, फिर वहाँ इतनी का प्रश्न नहीं उठते हैं, नहीं पीछे होता ही है, क्योंकि माता तो वहाँ है नहीं वास्तव में, न कोई माता है, क्योंकि माता तो कहा जाते हैं हमें वो माता आशी पिता हो तो एक कहा जाते हैं, क्योंकि ये गांठ है बड़ी भारी। तो मात पिता हम बालक तेरे, अभी यहाँ अगर सरस्वती बैठी है और बाबा भी यहाँ बैठे हैं, तो अगर कोई कहे तो मात पिता हम बालक तेरे, वो हम किसकी महिमा करते हैं? इनकी और इनकी फिर महिमा नहीं हो सकती है, यानी देखो रोल आ गया नहीं कि इनकी और इनकी महिमा है नहीं, वो हम कहते ही है उनको। तो मात पिता हम बालक तेरे यानी परमात्मा की महिमा करते हैं। अगर उनके हिसाब से ले रहे तो वो पिता है तो ये माता हो जाती है, परंतु नहीं। फिर यहाँ दुनिया में भी जगदम्बा का मशहूर है, जगदम्बा फिर अलग हो जाती है, इस माता को जगदम्बा फिर नहीं कहा जा सकते। तो बहुत रूल आए समझने का, ये जब तक पूरा कोई न समझा हुआ हो समझाना बड़ा मुश्किल है। जैसे बाबा दादा और मीठे मम्मा का मीठे मीठे से के नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार यथायोग बच्चों को गुड मॉर्निंग।